हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक इतनी अच्छी वाटरप्रूफ रेमेडी बताऊंगी जिसे आप एक बार लगाकर कम से कम भी महीने भर तक अपने सफ़ेद बालों को काला बना सकते हो। और आप देख सकते हैं, इसे आप कितना भी शैम्पू करेंगे तो ये कलर नहीं निकलेगा, बहुत ही पक्का कलर आएगा इस डाई का और सफ़ेद बालों को बहुत ही जल्दी काला बनाएगा। इसे बनाना भी और लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे जैसे आपके बाल सफ़ेद होते रहते हैं वो जड़ें बिल्कुल सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये सफ़ेद बालों को जड़ों से ही काला बनाएगा और लॉन्ग लास्टिंग कलर है, शैम्पू के बाद भी जल्दी से नहीं निकलेगा। चलिए इसे बनाना कैसे, क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई, आप इसे गरम कर लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़, वो है इसमें बहेड़ा। बहेड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है बालों के लिए, सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए, और ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये जड़ों में जितना इन्फेक्शन है सबको दूर करता है। साथ साथ हम लेंगे शिकाकाई। शिकाकाई बालों को काला बनाने का काम करती है, जड़ें मजबूत करती है, बालों को घना बनाती है। और इसके साथ हम लेंगे आंवला। आंवला भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें हम चौथी चीज़ लेंगे हरड़। हरड़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चार चीज़ें हो गई, हरड़, बहेड़ा, आंवला और शिकाकाई। ये चारों चीज़ें आपको लेनी है। इनको आपको कढ़ाई में हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जलाने से क्या होगा, ये अच्छे से बालों में असर नहीं कर पाएंगी। तो इसको हल्का सा भूनना है हमें। जब आपको लगेगा ये हल्का सा भूनना शुरू हो गया है, थोड़ा कुरकुरा हो गया है और इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये चारों चीज़ें आपके सफ़ेद बालों को जड़ों से काला बनाएगी। अब इसमें हम लेंगे एक कप पानी। एक कप पानी आपको इतना, ये पानी इतना लेना है जैसे मैंने एक दो शिकाकाई के लिए है, एक मुट्ठी आंवला, उसी हिसाब से आपको इसमें पानी लेना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी हर्ब की ज़्यादा करते हैं तो पानी भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैं एक ही बार का सीरम बना रही हूँ। अगर आप इसे बनाकर स्टोर भी करके रखना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको हिना बनानी है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट बाद आप देखिए ये अपना कलर बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देगा और ये पानी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इसे मीठी मीठी आंच पर हल्के हल्के पकाना है आपको, बहुत तेज़ गैस में ना पकाएं, पानी पूरा जल जाएगा और ये हर्ब अपना अच्छे से असर नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए कम कम गैस में इसको पकाएं। और देखिए पकाने के बाद ये 5 से 7 मिनट बाद ठंडा होने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें हम लेंगे हिना। ये नॉर्मल मैंने ग्रीन वाली हिना ली है। आप अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं, आपको जो हिना पसंद है आप वो ले सकते हैं अपने बालों के हिसाब से। अब हम ये सीरम जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस हिना में डालेंगे और अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं सीरम का कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ये, क्योंकि जितना अच्छा हमारा सीरम होगा ना, बालों में मेहंदी का कलर और हमारी जो जड़ी बूटियाँ उसका कलर उतना ही अच्छा आएगा और जड़ों से ही वो सफ़ेद बालों को काला बनाने का काम करेगी। अब इसमें धीरे धीरे सीरम डालकर हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट को आपको इतना बनाना है कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है तो शरीर, जैसे जैसे आप इसे पतला करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला होने से ये बहना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही गाढ़ा थिक पेस्ट रखें इसका और अच्छे से मिक्स कर लें। आप देखेंगे बनाते बनाते ही कितना ब्लैक हो चुका है। अभी इसको हम 2 से 3 घंटे रख देंगे हिना को। 2 से 3 घंटे बाद आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बहुत ही ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो चारों हर्ब डाली है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसको आप 4 से 5 घंटे आप रख दीजिएगा, आप चाहे तो इसे 7 से 8 घंटे रात भर रख दीजिएगा, ये बहुत ही ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद आप इसे बालों में अप्लाई करें। तो चलिए इसे बालों में लगा लेते हैं। अब इसको ब्रश की सहायता से आप अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद शावर कैप लगा लीजिएगा और लगभग कम से कम 1 घंटा जरूर रखें, क्योंकि गर्मियों में जल्दी से सूख जाती है। 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी से सिर को वॉश करें।